मरवाही उपचुनाव में चुनाव प्रचार के अंतिम दिनों में कांग्रेसी भाजपा दोनों पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सभी डोंगरिया चुनावी सभा हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डोंगरिया में सभा को संबोधित करते हुए गोरेला पेंड्रा जिले की गौरवशाली इतिहास को दोहराते हुए उन्होंने सवारने की बात की और रमन सरकार पर हमला बोलते हुए छत्तीसगढ़ के भाजपा के 15 साल के कार्यकाल पर मरवाही को प्रेषित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा विकास यात्रा रमन सरकार ने निकाली परंतु विकास मरवाही तक उनके 15 साल के कार्यकाल पर नहीं पहुंचा। मरवाही में अपनी जीत के प्रति आश्वस्त भूपेश बघेल ने कहा कि हम प्रदेश में जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। मरवाही में कांग्रेस यहां के कार्यकर्ताओं और मरवाही जनताओं की मेहनत रंग लाएगी। मरवाही में विधायक देंगे। कांग्रेस के मरवाही उपचुनाव के दौर होने के सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारे पास विधायक है इसलिए विधायक यहां आ रहे हैं। जबकि मरवाही विधानसभा में जोगी परिवार द्वारा निकाली जा रही यात्रा और जो भी फैक्टर के काम करने पर दबा के सवाल पर कहा कि जो पार्टी चुनाव लड़ रही है वही मैदान में है, जो मैदान में नहीं है उससे कोई लड़ाई नहीं। वहीं अमित जोगी द्वारा स्वयं की जाति पूछे जाने पर कहा कि व्यक्ति अपनी जाति स्वयं बताता है, किसी की जाति मैं क्यों बताऊं? उसे उन्हें स्वयं प्रमाण देना होगा। वही महिलाओं की अस्मिता से खेलने वाले कांग्रेस के अध्यक्ष पुत्र पर कार्रवाई की बात पर कहा कि कानून अपना काम करेगा। सरकार ध्वस्त करेंगे ऐसा विश्वास है। जो जनता का आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं के जो हौसले हैं, उनकी मेहनत है, उसके बदौलत ही जीत मिलेगी। भाजपा कह रही है कि सरकार डरी हुई है इसलिए इतने विधायक और मुख्यमंत्री का 3 दिन से दौरा है। हमारे पास विधायक है तो वो आएंगे ही, विधायक नहीं लाते तो बोलते कि विधायक नहीं आ रहे हैं। आप कहते हैं पहले मरवाही में डर के मारे कारण लोग नहीं आ पाते थे, इसका डर रहता था। वो सभी जानते हैं क्या है, देखिए रमन सिंह जी क्यों नहीं आ रहे थे यहाँ, रमन सिंह से पूछना चाहिए वो क्यों नहीं आ रहे थे, यहाँ के विकास क्यों नहीं कर रहे थे, यहाँ जिला क्यों नहीं बनाया। 15 साल में बहुत सारे जिले बनाए रमन सिंह, लेकिन गोरेला पेंडा मरवाही क्यों जिला नहीं बनाया, ये सवाल तो रमन सिंह पूछा जा रहा है। न्याय यात्रा निकल रही है, जोगी फैक्टर काम कर रहा है, ऐसी अंदर गांव में खबर है। देखिए भाई हमारे जो जितने प्रत्याशी उन्हीं से लड़ाई है, जितने कैंडिडेट हैं उनके बीच लड़ाई होना है, जो लोग मैदान में नहीं उससे क्या लड़ाई। अमित आपसे जाति पूछ रहा है कि मेरी जाति बता दीजिए, आपकी जाति क्या है? नामदेव है। तो उसको तो आप ही बताओगे ना। नहीं वो आपसे अब कोई शिकायत करेगा तो प्रमाणित आप ही करोगे ना। मेरी जाति जो है वो मैं बताऊंगा, इनकी जाति वो ये बताएंगे, तो अपनी जाति वो बताए। यदि शिकायत होती तो वो उसको प्रमाण करने की जिम्मेदारी खुद की होती है ना। जो भी कांग्रेस के विधायकों को अपने खून में जो है कांग्रेस अब नजर आने लगा है। अरे कांग्रेसी थे सरोज पांडे। हाँ जी सरोज पांडे। सरोज पांडे ने आरोप लगाया कांग्रेस के ऊपर कि महिलाओं की अस्मिता और इज्जत से खेलने वाली पार्टी है। कल भरे जिलाध्यक्ष के मामले को लेकर जिलाध्यक्ष मनोज गुप्ता के पुत्र के मामले में आरोप लगाया। शिकायत भी है उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई कांग्रेस शासन में संभव है। यूपी में हाथरस में क्या हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरोज पांडे ये सब क्यों नहीं बोली, क्यों नहीं बात कर रही वहां को।